कोई मेरा जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं जो मेरे तक तशद्दुद खारियां थाने ने डीएसपी तो लैके एसएचओ ने और मुंशी तो लैके मेरे घर पूरे गुजराने की पुलिस जाके मेरे घर थोड़े मेरी जो जमा पूंजी सी जो मेरी कमर जमा पूंजी सी मेरी अम्मी सी मेरे अबू नहीं है मेरे भरावा तेल दिन मेरे भरा मिलते रहे टुरते रहे मेरा तो कोई जिसम ऐसा हिस्सा नहीं जिन्होंने मेरा तो शदत नहीं किया है। पूरा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। छोटे अमले तो लैके सानू खाना टाइम सन मिले जिन्हें कपड़े पाए ने सानू सुपरिटेंडेंट ने भावा गवर्नमेंट वालों भावा अपने को दिते रहे सानू खाना टाइम सन मिलता रहा सानू दवाई टाइम सन मिलती रही कोई मेरा जिसम का ऐसा हिस्सा नहीं जो मेरे तक तशद्दुद खारियां थाने ने डीएसपी तो लैके एसएचओ ने और मुंशी तो लैके मुकम्मल मेरे तक पुठिया करके असं कहने से लोगों के बच्चे पुलिस वाले करते हैं पर मैं ख्वाजा सरा सी ना मेरे तक तशद्दुद कोई जिसम का ऐसा मेरा हिस्सा नहीं मैं कपड़े वाम के सामने नहीं तार के दस सकती ठीक है। मेरे घर पूरे गुजराने की पुलिस जाके मेरे घर थोड़े मेरी जो जमा पूंजी सी जो मेरी कमर जमा पूंजी सी मेरी अम्मी सी मेरे अबू नहीं है मेरे भरावा तेल दिन मेरे भरा मिलते रहे टुरते रहे मेरे तो कोई जिसम का ऐसा हिस्सा नहीं जिन्होंने मेरा तो तशद्दुद नहीं किया है टुरते रहे मेरे तो कोई जिसम का अच्छा मेरा ये बताओ कि आप पर वाक्य सारा खानिया में हुआ आप मेन मरकज आप हो आपके साथ रवैया रखा गया फिर आपको पुलिस से किस तरह जो हुआ वो देखा सामने देखा अब आप जेल में जो आपके साथ जेल में रवैया रखा गया वो कैसा रवैया था और क्या कहना चाहती हूँ आप जो आप लोगों के साथ हुआ देखो अस लोग बड़े मसलन होंगे असं कहते जेल कुछ ऐसी चीज़ा नहीं देखिया होंगे हैं लेकिन असं छोटे होंगे सुनते आए हैं कि जेल के ए होंगे वो होंगे ये होंगे लेकिन सानू नहीं पता कि साढ़े एड्डा अच्छा रवैया से या सारे ने एड्डा अच्छा रवैया लेकिन जिस तरह सानू ने रखे जिस तरह औलाद नहीं बंद रखा है अपने बच्चों तरह अपने छोटे भैन भरावान तरह सानू उंगली तक नहीं लगाई असं हम बेटाइम खाना खाने क्योंकि साढ़े लोगों की रूटीन इस तरह की होती कि अभी बेटाइम सोने बेटाइम खाने बेटाइम सुते हैं तो कभी तंग नहीं किया है बेटाइम उठे तो कभी सू डांटिया नहीं है बेटाइम खाना मांग लेना करना मतलब कि असं ये चीज़ की फरमाइशा करनी करनी सर समोसे खा लेने ये खा लेने वो खा लेने सू कपड़े इतने अच्छे दिते डेली असं सूट पाने ताज़ा गर्म खाना आता स मतलब हमें बड़ी सहूलत इन्हें दीदियाँ मैं तो उम्मीद भी नहीं सकती कि इन्ना अच्छा काम करेंगे जितना इन्ना अच्छा तरीके ने रखा असं बड़े डर गए सर पहला कि असं खाने इतने जावे तो पता नहीं की होएगा उतों के इतों के बहुत जमीन समान का फर्क है मैं सारी जिंदगी इन्हें इंशाला तला इन्हें मशहूर आँगी तो दवाग और आँगी इन्होंने बड़ी हड़ी मतलब सर रली नहीं इन्हें हड़ने इन्नी मुहब्बत ना तावन असी अद्धी रात बेटाइम बुला लेने कहने सर इस अलावा भी किन्ने अफसर ने मेरे उन्होंने ना नहीं आते लेकिन वो बहुत ही अच्छे सन साढ़े सिर से प्यार देते साढ़े लोगों ने मुहब्बत ही कोई करता है मैंने इतनी मुहब्बत नहीं मिली अच्छा ये बताओ कि आपने क्या सीखा इस वाक्य के बाद कि आपका लोगों का रवैया इदारों के साथ ऐसा होना चाहिए मैं इस वाक्य के बाद यह सीखा है कि जिस तरह नेकी तो बदी नाल होंगी ना बुरे लोगों ना अच्छे लोग भी होंगे तो यह लोग बहुत ही अच्छे ने मैंने पढ़ाने कुछ याद नहीं रही इन्होंने मुहब्बत ने तवज्जो तो बाद ना मैंने कुछ नहीं याद नहीं रहा है मैं बस इन्हें कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक इन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती दे असी लोग ताडे बच्चों की खैर मंगन वाले हैं अपनी बेटियां दे सुख देखन बेटियां दे सुख देखन बस खुश रहन आबाद रहन अच्छा इससे पहले पुलिस के साथ आपका रवैया पुलिस ने आपके साथ कैसा रवैया रखा
किस तरह सवाल का जवाब तुम खुद ही जानते हो कि किस तरह दीदी पुलिस मेरे ना बेहतर जानते हो, मैं इस गल का जवाब नहीं देना चाहती है किसी किस्म का भी। अच्छा तुम्हें पहले दसा गया परचा नहीं होएगा, फिर परचा हो गया तुम पकड़ लिया गया, वह चीज़ा तुम खुद जानते हो तो फिर मैं इस गल का बार बार जवाब देकर तो नहीं चाहती कि कोई मसला क्रिएट हो, खुद जानते हो देख चुके हो तो सारी वीडियो तो शर्मिंदगी है, कहते हो ठीक किया लेकिन इतने लेकिन कुछ भी कहने की कैद सोने के पिंजरे कैद से कैद ही होंगी है, इन्हों का रवैया बहुत अच्छा सी, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं चिड़ी बन छोड़ जावा बस निकल जावा इतों, क्योंकि अभी लोग हैं फिर खैर मंगन वाले होंगे, इस वजह तो मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा हीरा ये बताइएगा जेल में आपको कलमा सिखाया गया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलमा, मैंने बस पहला कलमा आंदा थी, नमाज भी सिखा रहे सन, मतलब कारी साहब आते सन, एक पाजी आते सन, वो भी बड़े प्यार दे ना, वो क्या कि सानू असं परेशान सन भी वह आगे साढ़े दिल की गलत मतलब पूछ लेंगे सन, दिल का बहुत हल्का हो जाता, दो मेरे कारी साहब आते मेरे उस्ताद मोहतरम ने उन्होंने कोई असं कि कलमा सीखा, उस तो अलावा बड़ी अच्छी गल्ला सीखिया, सा ब्रेन वाश हूँ सी असं परेशान होंगे सर, वो आगे तो सू कि सिखाते करते सर, वो भी बड़े अच्छे सर। अच्छा ये आप इस मुआशरे से मायूस हो या क्या कहना चाहती हैं? मैं इन्होंने रवैये तो बाद बड़ी खुशगवार, उम्मीद करनी कि सारे लोग इन्होंने तरह हंडा मुहब्बत करें, जिस तरह वेखो असी भी किसी की औलाद है, इन्होंने मैंने बिल्कुल औलाद की तरह रखे, मैंने नहीं मेरी सारी कम्यूनिटी औलाद की तरह पाले, जिस तरह माँ असी माँ तो बाद ना मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बाकी इन्होंने को अपने आप में महफूज फील किया, माँ की गोद ऐसी होती कि इंसान अपने आप फील करता ना कि अभी बड़े महफूज हाँ, इन्हों की वजह तो दोबारा इतबार एक बन गए कि हाँ अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, ये बताएं कि जेल में बाहर लोग आपके साथ तंज करते हैं, आप पे जुमले कसते हैं, आपको परेशान करते हैं, जेल में भी किसी ने ऐसा किया है आपके साथ? बिल्कुल कुछ भी नहीं होया, सानू पेटियां ते राहन पेटियां तरह सिर ते प्यार दिता गया, साडे शौकत मुहब्बत तरीके दे अदारे दे विच रह के गल कीती गई, हालांकि असीं कदी बेचैन हो जाणी सानू होता दिता गया कि दिन गुजर जाणगे वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज आजाद। अच्छा जेल इतना अच्छा माहौल मिला है आपको, जेल से जाते हुए आप उदास हैं या खुश हैं? मतलब थोड़ी उदास भी है कि इन्नी इन्होंने एक लगावट जी हो गई सिख दी पाबंदी की वबस्तगी हो जाती है ना, वो हो गई सी, मैं मेरा दिल करता कि मैं दोबारा इन्होंने मिल लेना, मैं दोबारा फिर आवा मिल पूरा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरा शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।